बहुचर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट मामले को लेकर आज भी कुर्की की कार्रवाई देखने को मिलेगी। उमेश पाल और सरकारी गनर शूटआउट मामले को लेकर आज पुलिस 5 लाख के इनामी शूटर अरमान की संपत्तियों को कुर्क करेगी। धारा 83 CRPC के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। धुवनगंज थाना पुलिस ने SC ST कोर्ट से कुर्की का नोटिस जारी कराया है। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में स्थित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद से ही अरमान लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अरमान मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अरमान को अतीक अहमद का शार्प शूटर कहा जाता है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुई शाइस्ता परवीन के साथ साई की तरह रहना चाहता था। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने 6 वांटेड के खिलाफ कुर्की का नोटिस कोर्ट से जारी कराया है, जिसके तहत अब तक बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घरों की कुर्की हो चुकी है। अरमान की संपत्ति कुर्क करने के बाद माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की संपत्ति कुर्क की जाएगी। शाइस्ता परवीन पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। इसके बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की मेरठ स्थित प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जाएगा। बदायूं की बात करते हैं, हार्डवेयर की दुकान में यहां भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलापुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई। आगरा में मामूली सी बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव होने लगा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगाया है। थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज टीले का बताया गया।